जुर्म हुआ है किसने किया है, जुर्म हुआ है किसने किया है, इसका कोई ज्ञान नहीं। गुमनाम किसी के नाम की है ये भेद खुलेंगे अब सारे मुजरिम सामने आएंगे, कानून के लंबे हाथों से अब ना वो बच पाएंगे। मुजरिम कितना ही शातिर हो लेकिन चूक ही जाएगा, कोई खाकी वर्दी वाला उसको ढूंढ ही लाए। हो गई है अब यहाँ FIR। ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है जिसे राजस्थान पुलिस ने हमारी FIR टीम के साथ साझा किया और हमें बताया कितनी मुश्किलें आने के बाद हमने उस केस को सुलझाया। और हमारी टीम को एक बार फिर ये बात माननी पड़ी कि मुजरिम कितना ही चालाक क्यों ना हो लेकिन पुलिस हमेशा उससे एक कदम आगे ही रहती है। क्या हुआ? ऐसी बातें करती है, लड़का ही होगा। सुन, मैं ना अजमेर शरीफ जाऊंगा राजा के दरबार। अरे वो सबकी बिगड़ी बनाते हैं, देखियो लड़का ही होगा। और अगर बैठ लूं तो? अरे कह रहा हूँ ना लड़का होगा, चिंता मत कर, वो सुनेंगे। आराम कर। ख्वाजा गरीब नवाज, मुरादें पूरी कर दें मौला, मुरादें पूरी कर दें, मेरी लाज रख दें। मैं अक्टूबर 2019 में सुनील पर SHO पद पर कार्यरत था। दशहरे के दिन मैं सुबह के टाइम सेविंग कर रहा था, उसी समय मेरा फ़ोन पर घंटी आई। फ़ोन बार बार बज रहा था, जब फ़ोन बार बार बजा तो मुझे कुछ अनहोनी की आशंका हुई। मैंने फ़ोन उठाया तो सामने से बताया गया कि डाबला खींची गांव में 4 मर्डर हो गए हैं, आप तुरंत पहुंचें। मच गया है। ठीक है, तुम टीम लेके पहुंचो।
और मैं अभी आता हूँ वहाँ पे। ओके सर, जय जय। कुछ पता चला सर? तफ्तीश में पता चला है कि यह मकान किसी शाकिर नाम के व्यक्ति का है जो पेशे से एक टेम्पो चालक है। और हाँ सर, हमें यह भी पता लगा है कि शाकिर पर बहुत कर्जा हो गया था, इसलिए यह मकान गिरवी था और अच्छा। इसी वजह से इस मकान पर ताला लगा हुआ था। अच्छा, कुछ जानकारी इतनी मिली कि सट्टे वास्ता जुए वास्ता और फिलहाल इसके बाद वो गायब है यहाँ से। हो सकता है उसके साथ भी कुछ किडनैपिंग वगैरह कुछ होगी। ठीक है, हम चार टीम बनाते हैं। टीम नंबर वन सिविल में गांव के लोगों से पूछताछ करेगी। टीम नंबर दो इस केस से संबंधित सबूत जुटाएगी। टीम नंबर तीन भीड़ को नियंत्रित करेगी। टीम नंबर चार मौके वारदात पे काम करेगी। ओके ओके सर। कोई सर? हाँ सर। दूसरी टीम ने बताया कि साकिर को सुबह फ्रेश होते वक्त सुबह करीब 6 बजे के करीबन बोतल ले जाते हुए देखा। उधर जाके देखा तो वो उस रास्ता एक सड़क की तरफ भी जाता था। इस आदमी को कहीं देखा है? देखा था। कहाँ देखा है? इंदौर की टिकट ली थी इसने, घोसला उतरा था। घोसला? ये आदमी आया तो था। भाई साहब बस आने में कितना टाइम लगेगा? बस यहाँ से तो भैया शाम को जाती है, अभी दिन में नहीं। कोई भी दूसरी बस नहीं है? ना ना कोई। कैसे भी करके निकलना होगा यहाँ से, एक मिनट नहीं रुक सकता यहाँ, क्योंकि इस आदमी को ब्यावर जाना था। ब्यावर की बस हमारी रात को देरी से जाती है, इसलिए यहाँ से चला गया। ठीक है, दोबारा दिखाई दे तो पुलिस को जरूर बताना। उसके बाद हम इंदौर गए। इंदौर पुलिस की सहायता से हमने वहाँ पे काफ़ी उसका तलाश किया, उसके फ़ोटो दिखाए। वहाँ से पता चला कि वो अहमदाबाद गया है। अहमदाबाद से पता चला कि वो ब्यावर आ गया। ब्यावर से अजमेर तक के जो ढाबे थे, होटल थे, व्यावसायिक प्रतिष्ठान थे, उन सबको हमने चेक किया। चेक करते करते जब अजमेर पहुँचे तो एक फ्रूट व्यवसायी ने बताया कि इस तरह का व्यक्ति हमारे पास आया था काम मांगने के लिए। थोड़ी देर काम भी किया था लेकिन फिर उसका झगड़ा हो गया हमसे और वो यहाँ से चला गया। नहीं है।
नहीं सर। जय हिंद, बैठिए। चाहिए सर, हमारी टीम ने उसे अजमेर से ब्यावर तक जितने भी ढाबे और होटल हैं सब जगह तलाश किया, लेकिन कोई क्लू नहीं मिला। फिर क्या हुआ? अब हमारी एक टीम अजमेर गई है। ठीक है, इस केस पे निगरानी बनाए रखो, ऊपर से बहुत प्रेशर है। ओके सर, जय हिंद। इस दौरान मेरा प्रमोशन भी हो गया था, मुझे लग रहा था कि ये केस अनसुलझा ही रहेगा और हम काफ़ी निराश हो रहे थे। हमें ढूंढते ढूंढते करीब 37 दिन हो गए थे। 37वें दिन उसका फ़ोन वापस से ऑन होता है और वो कोटा में ऑन होता है। क्या बात है सर, आज बड़े उदास लग रहे। मेरा प्रमोशन हुआ है, वो ट्रांसफर लेटर भी आ गया है। सर तो खुशी की बात है। खुशी की बात तो है, लेकिन जिस केस में हम महीने भर से लगे पड़े हैं अभी तक उस केस का कोई खुलासा नहीं हुआ है, और मुझे डर है कहीं मुझे खाली हाथ ना लौटना पड़े। ऐसी बात नहीं है सर, आपने आपकी तरफ से पूरी कोशिश की, और अभी आपके जाने में समय है, हो सकता है इस बीच में कुछ साथ मिल जाए। देखते हैं अब क्या होता है। क्या वाकई शाकिर का हाथ आना इतना मुश्किल हो गया था? क्या वाकई शाकिर को पकड़े बिना इस केस को सुलझाना मुश्किल था? आइए देखते हैं आगे। इसका मतलब उसके पास ज्यादा पैसे भी नहीं है और वो कहीं सस्ते खाने की तलाश में जाएगा। सही बात है। सर सस्ता खाना है तो अस्पताल या फिर रेलवे स्टेशन के यहीं मिलता है। तो चलो वहीं तलाशते हैं। वही है। तुमने कंफर्म कर लिया? मैंने बिल्कुल कंफर्म कर लिया सर, वही है। थोड़ा सावधान रहना, हो सकता है उसके पास हथियार हो। अरे चाची चाय दो ना। क्या है भाई, कौन है तू? पुलिस। हाँ सर, लाइन पे आ रहा है धीरे धीरे। हाँ भाई,
तेरी मेहमान नवाजी में कोई कमी रह गई हो तो बता, अभी पूरी कर देता हूँ। बताता हूँ साहब। हाँ भैया, ओपन क्या आया? ओपन छक्का आया और कल लगाया था। पत्ती दो छः, दो छः आठ। एक चांस और भाई, एक चांस। आप कैसे डबल से आएगा भाई? बनेगा यार, 399 पत्ती पे लगा दे। 399 कितने में भाई? 1000 रुपये ही कर दे। 399 में 1000। ठीक भाई, आज हो गया तेरा काम? अरे बस हो जाए यार। हो जाएगा भाई, हालत ख़राब लगी पड़ी है यार। आज हो जाएगा भाई। चल ठीक है ना, मैं शाम को आता हूँ क्लोज पूछने। ठीक भाई, ठीक। अरे बेच देगी मकान तो क्या जाएगा तेरा? हमारे सट्टे के चक्कर में सब कुछ बर्बाद हो गया, अब खाली एक मकान बचा है, इसको भी बेच दूंगी तो बेटियों को लेके कहाँ जाऊंगी मैं? अरे बड़ी हो रही है बड़ी, देखो थोड़ा समझो, बड़ी हो रही है, कहाँ जाऊंगी मैं इनको लेके? जब तक मकान नहीं बेचेंगे ना, कर्जा नहीं चुकेगा, और जो पैसा बचेगा ना, ऐसा नंबर निकाला है, पक्का पास होगा, फेल नहीं होगा, सारा कर्जा चुका देंगे, नया मकान बेचूंगा तुझे। बेच दे मकान यार, बेच दे। मम्मी पापा, हमारी पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ पापा, हम लोग आपसे परेशान हो चुके हैं, आपका ये रोज रोज का नाटक हो चुका है। अरे समझो कुछ, समझो, मकान तो मैं तुम्हें ना आज बेचने दूँ ना कल, ना बेचूंगी ना बेचने दूंगी, समझे? दिमाग मत। अरे भाईजान, पैसा कहाँ है? कब तक आएगा पैसा? जान दो चार दिन की मोहलत है। नहीं, जब पैसा आ जा बजाना, ताला जाए, ताला लगा इस पे। भाईजान मैं कहाँ जाऊंगा भाईजान? यार घर से निकाल दोगे? मैं कहाँ, मेरा पैसा आ जाएगा, उस दिन चाबी ले जाना, चल। अरे भाईजान समझो ना भाईजान, भाईजान चाबी, पैसा हो तो चाबी ले लेना भाईजान। भाईजान मैं कहाँ जाऊंगा भाई? फिर मैंने तंग आकर खुद को और परिवार को खत्म करने का फैसला कर टेम्पू की रस्सी ली और अपनी जीवी से बोला पास के कमरे में चल कुछ बात कर ली। मुझे माफ कर दे। वहां जाकर उसका गला घोट दिया।
बेटा उठ। फिर मैं बड़ी बेटी के पास गया, उससे कहा कि बेटा देख तेरी मम्मी कुछ बोल नहीं रही है, क्या हो गया उसे? देखना तुझे समझ नहीं आ रहा तेरी मम्मी को क्या हुआ, चल देख उठने नहीं, देख तो क्या हो गया, चल चल। उसे तेरी मम्मी, मम्मी 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 क्या हुआ, मम्मी 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 कुछ बोलो ना, मम्मी 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 क्या हुआ, मम्मी 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 उठो ना, मम्मी मम्मी आपको क्या हुआ, मम्मी पापा मेरी बेटी जब आ गई तो फिर मैंने उसे भी मार दिया। वो बहुत इंटेलिजेंट थी, पढ़ने में बहुत तेज थी। छोटी बेटी के पास गया, उसने बोला देख तेरी मम्मी और बहन कुछ बोल नहीं रही है, तेरी मम्मी और बहन को पता नहीं क्या हुआ, कुछ बोल नहीं रही बेटा। क्या हुआ पापा? जाकर उसे भी मार दिया। मैं अपने सबसे छोटे बेटे के पास गया, बहुत मन्नत और मुरादों से पाया था साहब, बहुत मन्नत उसे पाया था। बेटा
नहीं पा रहा था, मारना पड़ा। मारने की कोशिश की, मार नहीं पाया, मार नहीं पाया। ये सब खत्म कर दी, सब को मार दी। एक बात पूछूं तुझे, तेरे इस जघन्य अपराध की सजा कानून तो देगा ही, जो अपनी जगह है, पर क्या तू कभी अपने आप को माफ कर पाएगा? ले जाओ उसका हवाला हाथ में। साकिर को हमने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां उसको आजीवन कारावास की सजा हुई। वो अभी वर्तमान में जेल में है। साथ ही मैं आमजन से कहना चाहता हूँ कि दुर्व्यसनों से दूर रहें, जिसके कारण इस तरह की विपदा ना आए और परिवार के साथ हंसी खुशी से अपना जीवन यापन कर सके। तो देखा अपने दोस्तों, इंसान को पैसे वाला बनने का शौक कहाँ से कहाँ तक ले जाता है। पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए रास्ता सही चुनना चाहिए। तो आखिर राजस्थान पुलिस के जांबाज इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह शेखावत ने 37 दिन की कड़ी मेहनत के बाद मुजरिम को उसकी सही जगह सलाखों के पीछे पहुंचा ही दिया। मैं जाहिद खान, आपका दोस्त, आपसे इजाज़त लेता हूं। अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद। We'll be right back.